Dear students, today in the class of system analysis and design, we will study about the system testing. Students, जो आज का topic है हमारा इस class का वो है system testing. Testing तो आप समझते होंगे, यानी कि system को predefined parameter के according evaluate करना testing कहलाता है. System testing is a type of software testing. System testing software testing का एक part है that is performed on the complete integrated system. ठीक है, जो कि एक complete integrated system के ऊपर perform होता है. यानी कि system testing तभी perform होगी जब system हमारा complete हो जाएगा. ठीक है, टू evaluate द कंप्लियंस ऑफ द सिस्टम विद द करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट. और टेस्टिंग में हम ये इवेल्युएट करते हैं कि करस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कंप्लेन है हमारे सिस्टम की, उन्हें इवेल्युएट किया जाता है. यानी सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है या डेवलप किया है, जब हम उसे इवेल्युएट करते हैं तो रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती हैं, उसे हम टेस्टिंग, इस प्रोसेस को टेस्टिंग कहते हैं. इन सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास्ट कंपोनेंट आर टेकन एज इनपुट. सिस्टम टेस्टिंग में जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है, पास्ट कंपोनेंट आर टेकन एज इनपुट. ये इंटीग्रेट टेस्टिंग कंपोनेंट को पास करती है जिससे कि उन्हें एज ए इनपुट सिस्टम में लिया जा सके. ठीक है, यानी कि सिस्टम के जो इनपुट हैं उन्हें इंटीग्रेशन टेस्टिंग के आधार पर हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं. द गोल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू डिटेक्ट एनी इरेगुलरिटी बिटवीन द यूनिट्स. जो गोल है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, जो उद्देश्य है वो है कि यूनिट्स जो हैं, यानी डेटा यूनिट्स जो हैं या इनपुट्स हैं, उनमें इररेगुलरिटी हमें डिटेक्ट करना. ठीक है, दैट आर इंटीग्रेटेड टुगेदर. ठीक है, कौन जो यूनिट एक साथ इंटीग्रेटेड हैं उनमें इररेगुलरिटी को डिटेक्ट करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है. सिस्टम टेस्टिंग डिटेक्ट्स डिफेक्ट within both the integrated units. और जो system testing है वो दोनों जो integrated units हैं उनमें defects को detect करने का काम करता है. and the whole system और पूरे system में भी जो भी defect हैं उन्हें भी system testing के द्वारा detect किया जाता है. the result of system testing is the ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए कंपोनेंट. जो सिस्टम टेस्टिंग का रिजल्ट है वो किसी भी कंपोनेंट, यानी सिस्टम में जो भी कंपोनेंट है उसका ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है. मतलब उसके जो बिहेव है किसी भी कंपोनेंट का, उसे ऑब्जर्व्ड किया जाता है सिस्टम टेस्टिंग के द्वारा. ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सिस्टम टेस्टिंग इज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए कंपोनेंट. सिस्टम के जो कंपोनेंट है उनका ऑब्जर्व्ड बिहेवियर क्या है, सिस्टम टेस्टिंग का रिजल्ट होता है. और ए सिस्टम व्हेन इट इज टेस्टेड, और एक सिस्टम जब वो टेस्ट होता है तब उसके कंपोनेंट का जो ऑब्जर्व बिहेवियर है वो सिस्टम टेस्टिंग का रिजल्ट कहलाता है. सिस्टम टेस्टिंग इज कैरिड आउट ऑन द होल सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सिस्टम टेस्टिंग क्या है, पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम टेस्टिंग होल सिस्टम के लिए के रिगार्डिंग एक सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS जिसे कहते हैं, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का काम करता है. ठीक है, यानी सिस्टम SRS के थ्रू सिस्टम टेस्टिंग होती है, या सिस्टम टेस्टिंग क्या है, होल सिस्टम का SRS कह सकते हैं या फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसे कहते हैं.
और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ, ठीक है, इन्हें हम बोथ भी कह सकते हैं, यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के आधार पर जब हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं तो वो हमारी सिस्टम टेस्टिंग कहलाती है। सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट द डिज़ाइन एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम टेस्टिंग जो है वो सिस्टम के बिहेवियर और डिज़ाइन को टेस्ट करता है। ये हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग में हम सिस्टम के बिहेवियर और जो सिस्टम का डिज़ाइन है उसे चेक करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, एंड आल्सो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, और साथ में ये भी टेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, जो सिस्टम हम टेस्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के रिगार्डिंग कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी हम सिस्टम टेस्टिंग के द्वारा ही टेस्ट करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड टू टेस्ट द सिस्टम बियॉन्ड टू बॉन्ड्स मेंशन्ड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और ये सारा जो प्रोसेस है, यानी कि कौन सा प्रोसेस, सिस्टम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को टेस्ट करना, सिस्टम के बिहेवियर और डिज़ाइन को टेस्ट करना, ये मेंशन होता है या कह सकते हैं कि परफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द SRS रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग इज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय ए टेस्टिंग टीम। जो सिस्टम टेस्टिंग है वो टेस्टिंग टीम के द्वारा परफॉर्म की जाती है। एक टीम होती है जो सिस्टम को डेवलप करती है, उसी में एक टेस्टिंग टीम भी क्रिएट होती है या बनाई जाती है, वो सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म करती है। दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट टीम, जो कि डेवलपमेंट टीम से इंडिपेंडेंट होती है, अलग हो सकती है। यानी इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट टीम होती है उससे अलग एक सिस्टम टीम हो सकती है, या उसी में से कुछ मेंबर एज ए सिस्टम टेस्टिंग टीम में अपॉइंट किए जा सकते हैं। दैट हेल्प्स टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और जो सिस्टम टीम है वो सिस्टम की क्वालिटी को टेस्ट करने में मदद करती है। इट हैज़ बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो कह सकते हैं सिस्टम टेस्टिंग दोनों तरीके से परफॉर्म होती है, फंक्शनली और नॉन फंक्शनली, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग इज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ओके, सिस्टम टेस्टिंग को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर द एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद परफॉर्म होती है और एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग से पहले परफॉर्म की जाती है। यानी कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग और एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग के बीच में हम सिस्टम टेस्टिंग, जिसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, परफॉर्म की जाती है। ये देखिए, ये एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। यहाँ से चलेगा नीचे से ऊपर की ओर है ये एरो, ठीक है। इसका फ्लो जो है बॉटम अप है, तो बॉटम से यूनिट टेस्टिंग होगी, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग और देन एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, अब सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है? तो सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। सिस्टम टेस्टिंग जो कुछ नीचे स्टेप हैं उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती है। सबसे पहला स्टेप है टेस्ट एनवायरमेंटल सेटअप, ठीक है। जो एनवायरमेंटल सेटअप है, जहां सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, उसे टेस्ट करना, इसका मतलब है क्रिएट टेस्टिंग एनवायरमेंट फॉर द बेटर क्वालिटी टेस्टिंग। यानी कि बेटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, मतलब टेस्टिंग अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाए, उसके लिए एनवायरमेंट क्रिएट करना सबसे पहला काम है टेस्ट एनवायरमेंट सेटअप का। देन अगला स्टेप जो है क्रिएट टेस्ट केस, यानी कि जनरेट टेस्ट केस फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस। यानी जिस केस को हमें टेस्ट करना है वो केस जनरेट करना कि टेस्टिंग प्रोसेस हमारा सही हो सके उसके आधार पर। देन क्रिएट टेस्ट डेटा, तो जनरेट द डेटा दैट इज टू बी टेस्टेड, और वो उस डेटा को जनरेट करना जो कि टेस्ट होगा डेटा, ठीक है। ये आ जाएगा क्रिएट टेस्ट डेटा के पार्ट स्टेप में। देन अगला स्टेप होगा एग्जीक्यूट टेस्ट केस, यानी जो टेस्ट केस हमने वहाँ क्रिएट किया था
उसको एग्जीक्यूट करना आफ्टर द जनरेशन ऑफ द टेस्ट केस, टेस्ट केस के जनरेशन के बाद एंड द टेस्ट डेटा के जनरेशन के बाद टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड। जब टेस्ट केस जनरेट हो जाएगा फिर कैस टेस्ट डेटा यानी कि टेस्ट केस मतलब किस तरीके से हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे वो और किस डेटा पर करेंगे, दोनों जब सेलेक्ट हो जाएंगे जनरेट हो जाएंगे उसके बाद हम सिस्टम केसेस को जो एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केस को, देन डिफेक्ट रिपोर्टिंग, जो भी डिफेक्ट हमें मिलेंगे उन्हें रिपोर्ट करेंगे। डिफेक्ट इन द सिस्टम आर डिटेक्टेड यानी सिस्टम में जो भी डिफेक्ट होंगे उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। देन रिग्रेशन टेस्टिंग, इट इज कैरिड आउट टू टेस्ट द साइड इफेक्ट ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, जब हमारे डिफेक्ट डिटेक्ट हो जाएंगे सिस्टम के तो रिग्रेशन टेस्टिंग होगी जो ये बताएगी कि टेस्टिंग के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। देन लॉग डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स आर फिक्स्ड इन दिस स्टेप और जो डिफेक्ट हमारे यहाँ डिफेक्ट रिपोर्टिंग में मिले हैं उन्हें हम इसमें फिक्स कर देंगे, इसमें लॉग डिफेक्ट्स स्टेप में फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद आ जाएगा लॉग डिफेक्ट, फिर हम जो भी डिफेक्ट हैं उन्हें फिक्स करेंगे। देन रीटेस्ट, इफ़ द टेस्ट इज नॉट सक्सेसफुल देन अगेन टेस्ट द टेस्ट इज परफॉर्म, और टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो दोबारा से हम उसे रीटेस्ट करेंगे, टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर ये वर्क करता है। सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट, उसके बाद जनरेट टेस्ट केस, देन जनरेट टेस्टिंग डेटा, देन एग्जीक्यूट टेस्ट केस, देन डिफेक्ट रिपोर्टिंग, देन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड लॉग डिफेक्ट, देन रीटेस्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टेस्टिंग प्रोसेस वर्क करता है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल इसके आगे के पार्ट्स को हम देखेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।